तो मैं आ गया हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोपिरो वाइस्टोन की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। तो गाइस रोपिरो के नाम पर अरेस्ट वारंट छप चुका है, मतलब कि गाइस रोपिरो के एक दो पोस्टर्स भी लगे हुए हैं वाइस्टोन में कि भाई साहब ये वांटेड है। जिसने भी इसको पकड़ा तो गब्बर सिंह की तरह इसको भी 50,000 रुपये मिलेंगे। अब गाइस रोपिरो ने किया क्या है आप लोग भी यही सोच रहोगे। तो गाइस रोपिरो ना यार जा रहा था गाड़ी से और भाई साहब बीच में ना एक गधा आ गया, गधे को गाइस रोपिरो ने उड़ा दिया। तो भाई साहब यहाँ पर ना गधों को मारना क्राइम है। तो गाइस पुलिस ना अब वांटेड मतलब के लग चुकी है अपने पीछे। तो यार कभी भी ना गाइस किसी भी टाइम यार ये पुलिस अपना पीछा कर सकती है। ये ना गाइस यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राइम है कि किसी गधे का एक्सीडेंट करना। तो यार यहाँ पर ना अब मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल ना गाइस वाइस्टोन में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पर ना गाइस फिलहाल घूमना सही नहीं है। तो क्यों ना मैं अपनी गाड़ी को कसिनो में पार्क करके चला जाता हूँ कसिनो के अंदर और वहाँ पर ना एक दो दिन फुल टाइम पार्टी वार्टी करता हूँ, जमकर डांस वांस करता हूँ। टिप्सन विप्सन को भी वहाँ पे बुला लूँगा, कुछ टाइम गाइस वहाँ पर रह के फिर निकल लेंगे। क्योंकि गाइस मैंने ना किसी इंसान को नहीं बल्कि एक गधे को मारा है और गाइस गधे को मारना बहुत ही बड़ा क्राइम है आप लोगों को पता है। तो गाइस वो सही नहीं है, हम लोग ना फटाफट से चलते हैं पहले तो ना कसिनो की पार्किंग में अपनी रोडस्टर को रोक लेते हैं और फिर यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं ना यहाँ पर कसिनो की पार्किंग में आ चुका हूँ, अब जल्दी से ना गाइस यहाँ पर मैं अपनी रोडस्टर को अंदर पार्क कर लेता हूँ। ओके तो अब फटाफट से इससे निकल लेते हैं। तो अरे भाई साहब ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पर इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ गई और उसने मुझे अभी के अभी बस्टेड भी कर दिया। अरे ये क्या सीन हो गया। तो गाइस यहाँ पर ये क्या, ये गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ, ये पुलिस वाले चला रहे हैं और गाइस इस गाड़ी में पुलिस वाले भी मेरे साथ हैं और शायद गाइस ये लोग ना मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के कहीं पर लेके जा रहे हैं। लेकिन किधर गाइस, कौन सी जगह पर यार। गाइस यार मैं पहले ही बोला था कि पुलिस के चंगुल में ना फंसूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना अब पुलिस के पास जेल भी है, अगर मतलब यार कुछ भी हुआ ना रोपिरो का तो समझो कि भाई साहब ये रिमांड भी ले सकते हैं, रोपिरो की बहुत मारेंगे भाई साहब। लेकिन यार मैंने तो गाइस एक न्यू ट्रिक निकाल लिया है जिससे ना गाइस मैं जेल से निकल सकता हूँ और फिर भाई साहब गली से बाहर कैसे जाएं। मेरे पास ना गाइस एक नया दरवाज़ा है जिसमें से ना गाइस हम लोग निकल सकते हैं जेल से बाहर और वो ना गाइस मैं आप लोगों को आज की धमाकेदार वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले गाइस ये पुलिस वाले रोपिरो के साथ क्या करना चाह रहे हैं ये तो मैं पहले देख लूँ। तो गाइस इन्होंने यार यहाँ पर गाड़ी रोक ली है, अब गाड़ी रोकने के बाद ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई साहब अब ना इसने गाड़ी बंद कर दी और ये क्या गाइस ये क्या, ये लोग ना वाइस्टोन पुलिस डिपार्टमेंट में लेके जाकर हमें ना जेल में डाल दिया इन लोगों ने। ठीक है भाई साहब तुम भी पुलिस वाले हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ रिश्ते में। गाइस आप लोग देखना मैं कैसे यार जेल से निकलता हूँ, मेरे पास ना एक चाबी है, पहले तो जेल का दरवाज़ा खोलूँगा और फिर जैसे गाइस इसकी गली में पहुँच जाऊँगा ना तो उधर के लिए गाइस मेरे पास एक सीक्रेट दरवाज़ा है। तो चलो गाइस हम लोग ना फटाफट से पहले तो ना चाबी निकालते हैं और इनके ना ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पर ना ये चाबी काम कर रही है, मतलब कि गाइस समझो कि यार भाई साहब ये खुल गई, अपने लिए तो भाई साहब इस जेल का ताला खोलना कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि चाबी को तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये क्या भाई साहब, ये तो समझो खुल गई। ओके गाइस ये खुल चुका है और फटाफट से यहाँ से हम लोग बाहर निकल लेते हैं। तो ये देखो गाइस मैं ना यार यहाँ पर जेल से बाहर आ गया दरवाज़ा खोल कर, लेकिन गाइस इस गली में आने के बाद मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कोई दरवाज़ा होना चाहिए, कोई खिड़की होनी चाहिए, कोई सीढ़ियाँ, कोई रास्ता, कुछ तो होना चाहिए। तो गाइस आप लोग भी यही सोच रहे कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, मतलब कि मेरे पास सीक्रेट दरवाज़ा कहाँ से आया। लेकिन गाइस सीक्रेट दरवाजे को तो छोड़ो, ये पुलिस आज मुझे बस्टेड डायरेक्ट क्यों नहीं कर रही थी, ये खुद गाइस रोपिरो को वाइस्टोन पुलिस डिपार्टमेंट के जेल में लेकर आई है पता नहीं कैसे गाड़ी में। गाइस कसिनो से लेकर यहाँ तक मतलब कि वाइस्टोन पुलिस डिपार्टमेंट तक हमें लेकर आई है। तो ठीक है कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, वैसे ही हम लोग यार यहाँ से अभी 5 मिनट में निकल जाएंगे, अपने लिए तो भाई साहब कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो यार यहाँ पर ना अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं ना तो कोई दरवाज़ा है ना तो कोई सीक्रेट डोर है, ठीक है आप लोग देख लो, वरना आप लोग बोलोगे कि रोपिरो कोई ग्लिच करेगा या कुछ, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख पा रहे हो कि गली बहुत ही छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बहुत ही बड़ी चीज़ आ जाए ना तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो गाइस बड़ी चीज़ के लिए मतलब कि हमें आना है शॉप में और यहाँ पर ना जिधर ट्रांसफार्मर्स की दुकान है ना वहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर ना गाइस मेरे पास पैसा तो है, कोई सस्ता सा ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। तो ये देखो ट्रांसफार्मर ट्रक, इसको अनइक्विप करने के बाद ये देखो
अनइक्विपनी इक्विप करने के बाद। गली छोटी सी है और गाइस ट्रांसफार्मर बड़ा है, तो हम लोग ना गाइस यहाँ से बाहर निकल लेते हैं ट्रांसफार्मर में। तो अब चलो दोबारा से शॉप में चलते हैं और यहाँ पर ना गाइस अब इस ट्रांसफार्मर को अनइक्विप करते हैं ताकि गाइस हम लोग ना वापस से रो पीरो बन जाएं। अब गाइस यहाँ पर ना वाइस्टोन में रहना रो पीरो के लिए खतरे से खाली नहीं है, मतलब कि भाई साहब यहाँ पर रो पीरो को शायद पुलिस ट्रैक कर रही है कैसे भी करके। और फिर गाइस आप लोगों ने खुद ही देखा, जैसे ही मैं कश्मीरों की पार्किंग पाया पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो गाइस फिलहाल ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना वाइस्टोन को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। फिलहाल तो गाइस अपना कहना यार यहाँ पर वाइस्टोन में रहना नहीं चाहिए, वरना तो गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, पुलिस रो पीरो को जान से भी मार सकती है। क्योंकि भाई साहब आज जैसे ही मैं पार्किंग में गया 4 स्टार्स तो उसी टाइम लग गए। तो गाइस लास्ट टाइम ना टिप्सन से मिल लेते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। तो ये रहा टिप्सन। हेलो टिप्सन यार बात सुन, मेरे पीछे ना पुलिस लगी हुई है, मतलब के वांटेड लेवल, मतलब के इनाम देंगे जिसने मुझे पकड़ा, क्योंकि मैंने गधे को मार दिया है। तो मैं जा रहा हूँ टिप्सन, तू टेंशन मत लियो, फिलहाल कुछ टाइम ना मैं वाइस्टोन से अंडरग्राउंड रहूँगा, ठीक है टिप्सन, बाय बाय, याद रखियो अपने इस दोस्त को, लेकिन मैं दोबारा से वाइस्टोन में जरूर आऊँगा। हाँ ऐसा पहली बार हुआ है कि एक गधे ने दूसरे गधे को मारा है। चल ठीक है रो पीरो, ऐसी सिचुएशन में तेरे यहाँ से जाना ही होगा यार, फिलहाल तू वाइस्टोन से बाहर ही रहे। हाँ टिप्सन तू ठीक कह रहा है, तेरी बात में भी दम है, और मैंने भी यार यही सोचा है कि यार फिलहाल ना पुलिस की बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है और पुलिस ना मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ चुकी है। तो मैं ना यार फिलहाल वाइस्टोन से टपक रहा हूँ, तू भी अपना ध्यान रखियो, और बस यार मैं भी जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे, ठीक है टिप्सन, फिलहाल मुझे रोना आ रहा है, तो यार टिप्सन बाय बाय, ठीक है मैं निकलता हूँ। तो चलो और गाइस यहाँ से ना हम लोग फटाफट से निकल लेते हैं, मैंने आज अपने दोस्त को भी टाटा बाय बाय कर दिया। तो फिलहाल ना गाइस हमें यहाँ से निकलना है, तो जल्दी से चलते हैं शॉप में और हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट ले लेते हैं। तो क्या करूं हम, वैसे गाइस वहां पर जाने के लिए ना मतलब कि वाइस्टोन से बाहर जा रहे हैं, तो अपने लिए ना गाइस फिलहाल जो है एयरक्राफ्ट ही ठीक रहेगा, उसकी स्पीड भी ठीक है, वरना तो गाइस अगर हेलीकॉप्टर में बैठा ना तो हो सकता है भाई साहब ये पुलिस भी अपना हेलीकॉप्टर मेरे पीछे लगा दे। तो फटाफट से इसको गाइस मैंने ऑर्डर कर दिया है, और ये देखो गाइस यहाँ पर ना ये एयरक्राफ्ट आ चुका है। तो अब फटाफट से ना गाइस हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और गाइस यहाँ से ना आप जल्दी से निकल लेते हैं। वैसे तो गाइस हमें ना यार यहाँ से ना इधर जाने का रास्ता नहीं है, हमें ना गाइस लेफ्ट में टर्न करके सीधा करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट को, फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, वाइस्टोन दुनिया की एंड में। तो हमें ना गाइस लेफ्ट टर्न करके सीधा जाना है, फिर ना गाइस हम लोग यार क्या करें यार, सुपर यू सिटी में चले जाएंगे, या तो वेगास क्राइम में चले जाएंगे, या तो फिर सिलेविक सिटी में चले जाएंगे, और कोई ना फिलहाल गाइस अपने पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ना गाइस रो पीरो ने बहुत ही बड़ा क्राइम करा है, एक बहुत ही कीमती एनिमल मतलब कि गधे को मार दिया है, और गाइस उस पर ना रो पीरो ना अब वांटेड लेवल पर आ चुका है, इसके पीछे गब्बर सिंह की तरह 50,000 रुपये का इनाम है। और गाइस मेरा टिप्सन दोस्त बहुत ही ज़्यादा लालची है, साला यही ना मुझे पकड़वा दे और 50,000 रुपये ले ले। हाँ गाइस ऐसा भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है कोई दिक्कत हो हम लोग ना पहले वाइस्टोन से निकल लेते हैं। तो गाइस अभी ना हमें यहाँ पर दोबारा से लेफ्ट पर टर्न लेना है, मतलब कि गाइस मैंने ना एक साइन मतलब कि निशान लगा दिया है, हमें ना भाई साहब लाइट हाउस से टर्न लेना पड़ता है बस, ठीक है लाइट हाउस से आगे ना गाइस हमें सीधा सीधा जाना है, हम लोग स्लेविक सिटी और वेगास क्राइम सिमुलेटर में जा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो मैं वाइस्टोन छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन गाइस जो हमारे चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस धमाकेदार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि यार आप लोगों को मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको बोलो कि वो भी सब्सक्राइब कर दें और वो भी आगे शेयर कर दें, और गाइस ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब लाइक दबा कर करो, ठीक है ना गाइस। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, तो चलो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे एक अगले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।